अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका दोस्त फरहान फैयाज। और भाई, पाई नेटवर्क के फोन नंबर वेरिफिकेशन को लेकर काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और काफी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई, हमारा जो मैसेज है वो जब हम फोन नंबर वेरीफाई करते हैं तब हम मैसेज सेंड करते हैं किसी कंट्री के फॉर्मेट के नंबर के ऊपर, तब हमारा जो एक तो मैसेज सेंड नहीं होता और दूसरा जो है हमारा नंबर भी वेरीफाई नहीं होता। तो ये इनकी क्या वजह है और किस वजह से ये नहीं हो रहा, तो सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ आपको। और बाकी इसके अलावा, फोन नंबर वेरिफिकेशन के अलावा और इसके अलावा कोई और अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े ज्यादा थे तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूं कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। ठीक है, तो मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल करें, ताकि जो भी वीडियो या जो भी मैं अपडेट दूं अपने चैनल के ऊपर वो वीडियो आपको मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं भाई कि जो आप लोग मैसेज सेंड करते हैं अपना नंबर वेरीफाई करने के लिए पाई नेटवर्क अकाउंट के ऊपर, तो भाई सबसे मेन चीज ये है कि जब आप मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि उसके लिए तो काफी आपका आपके सिम के अंदर, सिम कार्ड के अंदर बैलेंस का होना लाजमी है। और काफी लोगों के ये भी कमेंट आए थे कि भाई, हमारी सिम के अंदर बैलेंस भी था, उसका भी मैं आपको हल बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मतलब कि किसी कंट्री यानी कि यूएसए के ऊपर आपने सेंड किया मैसेज, आपका मैसेज सेंड भी हो गया फिर भी आपका नंबर वेरीफाई नहीं हुआ, तब आपने क्या करना है, आपने ये तो अपना जो पाई नेटवर्क एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना है, यानी कि अनइंस्टॉल करने से पहले उसका डाटा और कैशे जो है वो क्लियर करना है। ठीक है, क्लियर करने के बाद आपने पहले आपको याद रहना चाहिए कि आपको अपना अकाउंट का पासवर्ड याद है या नहीं। ठीक है, अगर याद है तब आपने उसको लॉग आउट करना है, ऐसे नहीं करना है। फिर आपने ये नहीं कहना कि भाई, आपने कहा था आप लॉग आउट कर दो उसके बाद फिर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो फिर आप पासवर्ड को फिर रिकवर करते रहो, तो भाई आपने अपनी जिम्मेदारी पे करना है। अगर आपको पासवर्ड अपना याद है तभी आपने अपना पाई नेटवर्क एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके पहले उसका डाटा और कैशे क्लियर करने से पहले, ठीक है, उसके बाद फिर आपने उसको अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर ट्राई करना है किसी और कंट्री के ऊपर। दूसरा जो ऑप्शन है, आपने हर कंट्री के ऊपर ट्राई करना है अगर आपका मैसेज सेंड हो रहा है, ठीक है, और नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा, यानी कि वेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, तो फिर आपने हर कंट्री के ऊपर ट्राई करना है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, उसके बाद बाकी जितने भी कंट्रीज हैं सबके ऊपर मैसेज सेंड करके ट्राई करना है। ठीक है, और आपने ये करना भी रात के किसी टाइम को है, क्योंकि दिन के टाइम सर्वर थोड़ा सा डाउन होता है इस वजह से, और तो वैसे भी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स चल रही है पाई नेटवर्क के अंदर, क्योंकि उसको रिजॉल्व कर रही है पाई कोर टीम की, जितने भी मेंबर्स हैं या वैलिडेटर्स हैं वो सारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि इस प्रॉब्लम को, जो इसमें बग्स हैं, उसको फिक्स किया जाए। ठीक है, और बाकी अगर कोई और प्रॉब्लम है आपकी तो आपने कमेंट में बताना है, ताकि उसके ऊपर मैं आपको सारा कुछ बता सकूं कि भाई आपने इस प्रॉब्लम को हल किस तरह से करना है। और बाकी केवाईसी का काफी लोग पूछ रहे थे कि केवाईसी का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो भाई केवाईसी आपने डेली बेसिस के ऊपर अपने पाई नेटवर्क वॉलेट के अंदर चेक करनी होती है, आपको इसका ना तो कोई नोटिफिकेशन आता है और ना ही आपको इसकी कोई मेल आती है, आपने इसको रैंडमली जाके चेक करना होता है पाई वॉलेट के अंदर कि आपको केवाईसी का ऑप्शन आया हुआ है या नहीं। और जिनको आया हुआ है उनको केवाईसी करना नहीं आ रही, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, एंड स्क्रीन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, आपने वो लाजमी से देख लेनी है। और बाकी जो भी अपडेट आएगी वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।